दोस्तों, मैं सचिन कुमार, मैं भरतपुर से हूँ। मैं पहले मेरे जुकाम हुई थी, फिर उसका काफ़ी दिन चलता रहा, 1 महीने रही। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया कि केस में क्या प्रॉब्लम है, जो खांसी नहीं मिट रही है। फिर मैंने डॉक्टर साहब से सलाह ली दूरबीन जयपुर हॉस्पिटल में, वहाँ उन्होंने CT स्कैन करवा के बताया कि इसमें कोई साइनस की बीमारी है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने सर्जरी की सलाह दी। उसके बाद मैंने सर्जरी करवाई, जिससे 2 दिन मुझे थोड़ी प्रॉब्लम रही नाक बंद करने की वजह से। उसके बाद फिर सफाई चलती रही 1 महीने बाद। आज 1 महीना हो गया मुझे, आज मैं रिलीफ पा रहा हूँ। ना मेरे खांसी है, ना कोई जुकाम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब। सचिन जी, आपको जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम, नोज की, शायद आपको DNS की भी समस्या थी, हाँ, आपको डीएनएस DNS की भी समस्या भी की भी बताया था दिक्कत आप। थी और साइनस की भी। आई थिंक आपको बहुत लंबे समय से ये बार बार जो है नर्व हाँ ब्लॉकेज की समस्या थी ना। हाँ तो डॉक्टर साहब ने जैसे आपको बताया CT स्कैन देख के कि ऑपरेशन होगा, आपको थोड़ा सा डर नहीं लगा? डर लगा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं एडमिट किया गया 11 बजे। पर उसके बाद 5 बजे मेरा नंबर आया ऑपरेशन का, तो थोड़ा डर था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर उसके बाद बाहर निकला, थोड़ा नोज बंद थी, तो 2 दिन प्रॉब्लम रही थी, जैसे नोज ब्लॉक थी, मुंह से सांस लेना, मुंह से खाना पीना, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम थी। नहीं, उसके बाद कोई उसके प्रॉब्लम बाद नहीं है अब। आपको यहाँ पे हॉस्पिटल में स्टाफ से, कोई डॉक्टर साहब से कोई समस्या? नहीं, यहाँ पे सारा स्टाफ अच्छा है। वहाँ पे ऊपर भी मेरे वार्ड में शिफ्ट था, उसमें अच्छी सेवा की थी, टाइम टाइम पे दवाई वगैरह सब सारा अच्छा था। सचिन जी, आपको जैसे ना अभी बहुत सारे लोग जो आर्मी में भी जाना चाहते हैं, DNS की उनकी प्रॉब्लम होती है, और बेचारे वो उनको इसलिए इलाज नहीं कराते, उनको लगता है कि मेरे तो नाक पे बाहर से कहीं चीरा आ जाएगा या पता नहीं, तो उनको लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, यहाँ पे अगर आप दिखाना चाहो तो ये सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है जयपुर में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कहीं भी आपको ना चीरा दिखेगा ना कहीं भी, आपको दूरबीन से ऑपरेशन होगा। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2 दिन 2-3 दिन प्रॉब्लम के बाद, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ना कोई चीरा दिखेगा ना कुछ। यस, इट्स ए इम्पोर्टेंट थिंग। बाहर से इसमें कहीं कोई चीर फाड़ टाका पट्टी नहीं होता, जैसे सचिन जी का भी नोज है, आराम से ब्रीदिंग हो रही है, इसलिए हमारे दिमाग से ये मिथ हमें निकाल देना चाहिए, ये पूरा का पूरा बेसिकली अंदर से होता है। थैंक यू।